बकरी का गोट का चित्र बनाइए, बकरी का गोट का चित्र। चलिए स्टार्ट करते हैं, हल्का हल्का स्केच करेंगे ग्रेफाइट पेंसिल से। HB पेंसिल ले रहा हूँ दोस्तों मैं। HB ग्रेड की पेंसिल ले रहा हूँ। जैसा कि हम हमेशा करते हैं, हल्का हल्का जेस्चर बना लेंगे पहले। या इसका असर रह जाएगा। पहले गोट की ड्राइंग बनाई है और अब भी गोट की ड्राइंग बना रहे हैं, लेकिन एंगल का थोड़ा सा फर्क है। यहाँ चेहरा रखेंगे इसका, यहाँ कान आ जाएगा, यहाँ सींग। पहाड़ी बकरी है दोस्तों, ये पहाड़ी बकरी की किस्म है, थोड़ी सी आकार में छोटी दिखती है। एनिमल ड्राइंग बनाना भी बहुत जरूरी है दोस्तों सीखने के लिए। थोड़ा सा लाइट को एडजस्ट करते हैं। यहाँ सींग बनाएंगे, पहाड़ों में होते हैं इस तरह की बकरियां, लंबे लंबे सींग होते हैं और आकार उसका थोड़ा छोटा होता है। एंगल इस तरह का है कि 3-4 एंगल ले मान सकते हैं इसको, थोड़ी सी तिरछी खड़ी हुई, सीधी भाषा में कहे तो। काउंटर लाइन द्वारा बाद में जेस्चर को सही कर लेंगे, एक बार हल्का हल्का जेस्चर प्रो कर लेते हैं। इसकी कद काठी छोटी होती है थोड़ी, पहाड़ों में निवास करती है इसलिए। पांव भी ज्यादा लंबे नहीं होते हैं इसके। गोल बड़ा सा पेट होता है। ये पीछे वाला पांव नजर आ रहा है हल्का हल्का। सींग बना लेते हैं, सिर्फ कान के आसपास हल्का सा शेड करेंगे।
पहाड़ी बकरी का चित्र बना रहे हैं दोस्तों। थोड़ी दूरी रखनी है, यहाँ पाँव आ जाएगा। एक बार डार्क पेंसिल से थोड़ा थोड़ा इसको सही कर देते हैं। तो ब्राउन पेंसिल का उपयोग कर रहा हूँ मैं, ताकि कॉन्ट्र लाइन समझ में आ जाए इसकी। इसके अतिरिक्त जो लाइनें होंगी वो उनको मिटा देंगे। गोट ड्राइंग बना रहे हैं दोस्तों। इसका मूल कलर वाइट ही रखेंगे, पीछे की तरफ हल्की हल्की शेड कर देंगे। धीरे धीरे हम कॉन्ट्र लाइन को पूरा करेंगे, चित्र थोड़ा थोड़ा समझ में आने लग जाएगा। पेट को बहुत एंगल में बनाना है तो बहुत ध्यान से इसकी लाइन लेनी पड़ेगी। ये यहाँ से जो हिस्सा है ये भी इस गोलाई से साथ मैच करना चाहिए। ठीक है, यहाँ इसकी भी हल्की हल्की लाइन बना देते हैं। ये गेप लगता है ज्यादा आ गई थोड़ी, इस इसको कम करते हैं। एक बार थोड़ा सा इसका मिलान करते हैं, देखिए चित्र कहाँ से। अब एक्स्ट्रा लाइन को इरेज कर देते हैं, फिर इसमें पेंसिल कलर द्वारा डिटेल करेंगे। हल्का सा मेला मेला कलर,
व्हाइट कलर में भी दोस्तों बिल्कुल सफ़ेद नहीं होता है वो, थोड़ी थोड़ी गंदी बकरी के बाल, तो इस तरह का कलर बेनिफिट भी करता है शेड करने में, क्योंकि व्हाइट पेज पे बनाते हैं तो इस तरह की ड्राइंग में मुश्किल तो आने वाली ही है। एक बार इस तरह का कलर हर जगह थोड़ा थोड़ा अप्लाई कर देते हैं। भी यहाँ से डर रहा है थोड़ा सा, अब ब्राउन और ब्लैक कलर से ज़्यादातर डिटेल करेंगे। भी ये हिस्सा यहाँ से पूरा डार्क कर देंगे इसको। आंखों की पोजीशन इस तरह से होगी, यहाँ से थोड़ी सी चौड़ी। ये इसकी छाया है दोस्तों, नीचे की तरफ जो जमीन पे पड़ रही हूँ।
धूप जितनी तेज बनाओगे तो शेड भी उतनी गहरी बनानी पड़ेगी, तो ये ध्यान रखना पड़ता है दोस्तों। धीरे धीरे सेट करते जाएं। मैं लाइव वीडियो के लिए ज़्यादातर 1 घंटे 40 मिनट के वीडियो के लिए सोचता हूँ, बाकी आप इस तरह की ड्राइंग में ज़्यादा टाइम देना चाहिए मेरे हिसाब से। ऐसा मैं पेंसिल इसलिए कर रहा हूँ कि छाया ताकि थोड़ी गहरी लगे। आंखों की डिटेल करते हैं दोस्तों। मुंह की शेडिंग धीरे धीरे धीरे। ड्राइंग में दोस्तों कोई शॉर्टकट नहीं होता है, ना कोई ट्रिक होती है। जो भी ट्रिक ड्राइंग करते हैं वो फ्रॉड है एक प्रकार का। ये अभ्यास से आने वाली टेक्निक है और अभ्यास के द्वारा ही फिर धीरे धीरे चित्रों में आर्ट का समावेश होता है, बाकी आपके चित्र कोरे चित्र ही रह जाएंगे। इसलिए ट्रिक के कभी आसपास भी नहीं जाना चाहिए अच्छे आर्टिस्ट को, जिनको आर्ट के फील्ड में अच्छा करना है। शेड की बाहरी लाइन एकदम क्लीन होनी चाहिए, क्योंकि छाया की लाइन आप जानते हो, तेज छाया हो तो लाइन कैसी बनती है। क्लीन नीट बनानी है लाइन्स को, बाहर वाली कॉन्ट्र लाइन जो शेडिंग की है।
अब थोड़ी थोड़ी शेड यहाँ भी कर देते हैं, शरीर के अन्य हिस्सों पे भी वर्क करना है हमें। यहाँ थोड़ी सी छाया आ रही है, पेड़ यहाँ पे सींग की छाया आ रही है। पूरे सर पे इस तरह से हमें बनानी पड़ेगी, क्योंकि बकरी के बाल होते हैं पूरे शरीर पे, तो ध्यान से ऑब्जर्व करते जाए और हल्की हल्की डिटेल करें। कहीं कहीं बाल एक एक बनाने की जरूरत नहीं है आपको, इसे लेके नहीं बैठ सकते हैं। यहाँ थोड़ा वाइट में पीलापन दे सकते हैं। थोड़ी पेंसिल को शार्प भी करते जाए साथ साथ में। कहीं कहीं एक्स्ट्रा लाइन जो रह गई है उसको साफ करते जाएं।
हल्की हल्की कान की डिटेल। इस तरह के चित्रों में इस तरह की डिटेल करने में ही सबसे ज्यादा परेशानी आती है। थोड़ी सी ये इस तरह की लाइन बनाए ताकि वो सींग वाली फील आ जाए। पाँव में भी हल्की हल्की डार्कनेस कहीं कहीं, जैसे ये घुटने के यहाँ इनके। कहीं कहीं जगह इरेज करना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा, तो इरेज करते हैं। ये लाइन थोड़ी सी ऊपर आ गई है तो इसको थोड़ा सा इरेज करके पहाड़ों में दोस्तों इस तरह की छोटी छोटी बकरियां होती है, ये बहुत फुर्तीली होती है, दुर्गम जगहों पर चढ़ने में माहिर मानी जाती है। अब कुछ समय के लिए थोड़े वाइल्ड लाइफ की तरफ भी बढ़ेंगे और इसी तरह की ड्राइंग्स ज्यादातर हम अभ्यास करेंगे। आप पूरा वीडियो देखिए, इसमें पूरा A to Z कैसे हल्का हल्का जेस्चर बनाना है, फिर धीरे धीरे कॉन्ट्रा लाइन को डार्क करना है। कोई भी चित्र लीजिए, उसका पहले जेस्चर बनाना बहुत जरूरी है, फिर ड्रॉ करें। आजकल रैपिड
स्केच नाम से ये जेस्चर, पहले जेस्चर नाम ज़्यादा लिया जाता था, आजकल रैपिड ड्राइंग बहुत प्रसिद्ध हो रही है। यानी जल्दी जल्दी एक अच्छा सा चित्र बना ले हल्का हल्का, और उस मूल आकृति फिर उससे निकालें डिटेल करते हुए। ये सीन की परछाई है, कहीं कहीं डार्क कहीं कहीं लाइट करें इसको। कमेंट करके भी बताएं दोस्तों किस तरह के चित्र आपको पसंद है। कान की थोड़ी थोड़ी डिटेल और करते हैं। हिस्सा थोड़ा सा डार्क करते हैं, सीन के पीछे वाला हिस्सा है, ताकि घुमाओ डिफाइन हो जाए इसमें चित्र में। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी ड्राइंग अच्छी लग रही होगी। वाइल्ड लाइफ की ड्राइंग करना भी बहुत जरूरी है दोस्तों, आपकी ड्राइंग में बहुत सारे सुधार इससे ही आ जाएंगे। तेज धूप पड़ रही है इसलिए दोस्तों इतनी डार्क हम बना रहे हैं इसकी शेड। कहीं कहीं जमीन जैसा फील देने के लिए हल्की हल्की ब्लर लाइंस।
धीरे धीरे ये चित्र दोस्तों कंप्लीट होने की, आप और भी शेड कर सकते हैं, चित्र को ऑब्जर्व करते जाएं, शेड करते जाएं। कहीं कहीं रह गया हो तो और भी देखें वो ध्यान से, तो कहीं कहीं आपको और जगह मिल जाएगी शेड करने के लिए। या आसपास थोड़ा थोड़ा डार्क कर सकते हैं आप चाहे तो। इस तरह की शेडिंग बाल की फीलिंग के लिए कर रहे हैं ताकि बाल की फील आ जाए थोड़ी। धीरे 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 शेर को ओ थोड़ा सा फील देते हैं, कहीं कहीं ये एक जैसी नहीं लग रही है तो इसको थोड़ा सा और डार्क कर देते हैं। गहरी नहीं बन रही हो सीधे ब्लैक कलर से, तो आप अदर कलर मिलाए, रेड है, ब्राउन है, इस तरह के कलर मिला है। अलग ही तरह का गहराई आती है इससे, जिसे शब्दों में कैसे बताया जाए, मिला के अच्छी गहराई मिलती है हमें।
तो दोस्तों इस तरह से चित्र कंप्लीट हुआ। आज्ञा दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट चित्र के साथ। नेक्स्ट वीडियो में कैसा लगा चित्र आप कमेंट करके जरूर बताएं। गुड बाय दोस्तों।